सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सवैगन टाइगन के बारे में, जो कि दोस्तों अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपके मन पे सवाल आता होगा कि कब लॉन्च होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, 15 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों ऑक्सवैगन टाइगन आने के बाद दोस्तों टॉप सेलिंग कार से कॉम्पिटिशन करने वाला है, जैसे की क्रेटा, सेल्टॉस। और दोस्तों इसका भी प्राइस के बारे में बात कर ले तो दोस्तों आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा, 9,99,000, जो की दोस्तों आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात कर ले ऑक्सवैगन टाइगन साइज के बारे में तो दोस्तों आपको क्रेटा और सेल्टॉस से थोड़ी छोटी देखने को मिलेगी, और दोस्तों लुक में काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों येलो कलर पे काफी ज्यादा आई कैचिंग लग रहा है। और दोस्तों बात कर ले फ्रंट लुक के बारे में तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल LED हेडलाइट विथ DRL के साथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों टॉप मॉडल पे काफी क्रोम का यूज किया गया है, जैसे कि आप देख सकते फ्रंट पे, रियर पे, साइड पे, सब जगह क्रोम का यूज किया गया। अगर क्रोम का आप शौकीन है तो एक कार आप देख सकते हैं। पर दोस्तों बेस मॉडल पे आपको हेलोजन लाइट्स देखने को मिलेगा, और इसमें आपको क्रोम का काफी कम यूज किया गया है बेस मॉडल पे। और दोस्तों रियर डिजाइन के बारे में बात कर ले तो दोस्तों आपको C2D पिलर, जो की आपको बैक लाइट देखने को मिलेगा वो भी LED के साथ, ये दोस्तों आपको बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा, जो की दोस्तों आपको बेस मॉडल पे और टॉप मॉडल पे दोनों सेम रहने वाला है। और दोस्तों रियर फ्यूचर के बारे में बात कर ले तो दोस्तों आपको रियर वाइपर कैमरा विद 4 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एलॉय साइज के बारे में बात कर ले तो दोस्तों आपको 17 इंच का एलॉय साइज देखने को मिलेगा। और दोस्तों इंजन के बारे में बात कर ले तो दोस्तों आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो की दोस्तों आपको 1498 cc का देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात कर ले ट्रांसमिशन के बारे में तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा विद 6-speed गियरबॉक्स के साथ। और दोस्तों बात कर ले फ्यूल कैपेसिटी के बारे में तो दोस्तों आपको 65 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और दोस्तों इंटीरियर फ्यूचर के बारे में बात कर ले तो दोस्तों आपको 10.25 इंच का स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और दोस्तों इसमें स्पीडोमीटर भी आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात कर ले रूफ के बारे में तो दोस्तों आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इसमें सनरूफ देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफी छोटा साइज का देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक किया सेल्टॉस। और दोस्तों ऑक्सवैगन टाइगन फ्यूचर के बारे में बात कर ले तो दोस्तों आपको इसमें पुश इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन, पावर स्टेयरिंग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग, और दोस्तों इसमें ऑल पावर विंडो, ऑटोमेटिक AC विद 2-zone कंट्रोल, वैनिटी मिरर, फ्रंट रियर कप होल्डर, सीट नंबर सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, फाइंड माय कार लोकेशन, डुअल टोन डैशबोर्ड, इतना दोस्तों आपको फ्यूचर इसमें देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ये था ऑक्सवैगन टाइगन, अगर दोस्तों आप टाइगन लेने का सोच रहे हैं तो ये आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लग गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ऐसे ही ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ ड्राइव सेफ लाइफ।